भाई, मोबाइल वाले भैया जबरदस्ती का हाथ किए हुए सब। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार ने आठवीं बार सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह लीजिए कि शपथ लिया है। और उसके बाद देखिए दस्तावेज को किस तरीके से आदान प्रदान किया जा रहा है, राज्यपाल का हस्ताक्षर करवाया जा रहा है, जिस कागज पे नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया है। उसके बाद देखिए जो उनके सहयोगी हैं राज्यपाल के, वो किस तरीके से मंच पर सामने दस्तखत करवा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कह लीजिए कि सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण, पद की गोपनीयता की शपथ ली है। अब देखिए किस तरीके से दोनों एक दूसरे को अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी कह लीजिए कि एक पहचान है। अब शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो यहाँ पे नेतागण मौजूद हैं, उनको अभिनंदन किस तरीके से नीतीश कुमार ने किया। फिर एक बार मुख्य सचिव हैं, वो अनुमति ले रहे हैं कि आगे कार्रवाई की जाए। संविधान की धारा पढ़ते हुए अमित सुभाष मुख्य सचिव हैं, अनुमति ले रहे हैं आगे जो शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अनुमति लिया गया था ठीक वैसे ही फिर एक बार मुख्य सचिव तेजस्वी यादव को देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक बार फिर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए तेजस्वी यादव हैं वो पहुंचे हैं। यह दूसरी और
देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ पढ़ा है, पद की गोपनीयता को पढ़ा है। अब वह दस्तावेज को एक बार फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्ताक्षर कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव दस्तखत करते हुए हैं। कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए और हस्ताक्षर करते हुए आपको तस्वीरों में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 17 साल में 8वीं बार मुख्यमंत्री जहां नीतीश कुमार बने तो वहीं तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आज सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रियों का आज शपथ नहीं होगा। डिप्टी सीएम के रूप में लिया है।